उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से ठंड की वापसी एक बार फिर से हो गई। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अब कुछ दिनों तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश एक बार फिर हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों से 11 से 13 मार्च के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं 12 और 13 मार्च को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में 8 मार्च को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं नई दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। 9 और 10 मार्च को नई दिल्ली में दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती है। आने वाले दिनों में नई दिल्ली में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। आज लखनऊ में आसमान साफ रहेगा। 9 और 10 मार्च को लखनऊ में तेज हवाएं चल सकती हैं। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहां न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ गाजियाबाद में भी 8 मार्च को मौसम साफ रहने वाला है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो आज ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और इसके साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हुई।